हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम कविता है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि फुल ग्लैम पार्टी मेकअप आपको कैसे करना है एकदम आराम से, आसानी से, एंड कलर्स आप अपने आउटफिट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले अपनी स्किन की हालत दिखाना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही सारे ब्रेकआउट्स हो रहे थे एंड इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैंने कॉटन के कपड़े में 2 आइस क्यूब्स लेके इन्हें थोड़ी देर तक अपने ब्रेकआउट्स पे लगाया। एक्चुअली इन पिंपल्स की वजह से मेरे गाल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो इन आइस क्यूब्स की वजह से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, राहत हुई। अदर देन दैट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस की पफ़ीनेस भी कम हो गई। उसके बाद एक टॉवल से जेंटली मैं अपना फेस वाइप कर रही हूँ। टॉवल से फेस वाइप करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एकदम जेंटली अपना फेस वाइप करें, ये नहीं कि ज़ोर से घिस रहे अपने फेस को। और हाँ, मैं इंस्टा पे भी क्राफ्टी डेंटिस्ट के नाम से हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज मैं वहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह डालती हूँ। अब सबसे पहले अपने फेस को मैं प्रेप कर रही हूँ यहाँ पे, और जिसके लिए मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उन सब का नाम, उन सब के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो दैट इफ़ एट ऑल यू नो आपको रेफरेंस के लिए कुछ भी जानना हो तो यू विल हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फेस प्रेप करने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिप्स पे भी थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ, सो दैट कि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो मेरे लिप्स अच्छे से प्रेप्ड हों। अब सबसे पहले मैं अपने टी जोन में प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे अच्छे से फिंगर से मैं ब्लेंड कर दूँगी। फुल पार्टी लुक के लिए मैं हमेशा अपने फाउंडेशन में इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स मिक्स करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। एंड ऑल्सो अगेन, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करी, जैसे फाउंडेशन हो गया, इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स हो गए, मैं सारा विद द ब्रांड नेम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार वहाँ पर भी देख लीजिएगा कि वॉट एग्जैक्टली आई एम यूजिंग टू गेट दिस लुक। स्टिपलिंग ब्रश से इनिशियल एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ बिकॉज माई स्किन वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मेरा मेकअप लाइट हो येट अच्छा दिखे, तो इसीलिए मैं मिनिमल प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उन एरियाज़ में कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ पे भी मेरे को ब्रेकआउट्स हो रहे थे या जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे कंसील करने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर से मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेके बहुत ही जेंटली उन एरियाज़ में डैब कर रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि इतना ज़ोर से डैब नहीं करना है कि आपने जो प्रोडक्ट लगाया है वो वापस से ब्यूटी ब्लेंडर में लग जाए, बिकॉज़ पहले मेरे साथ ये होता था, मैं कितना भी प्रोडक्ट लगा लूँ बिकॉज़ मैं इतना ज़ोर से डैब करती थी कि वो प्रोडक्ट वापस ब्यूटी ब्लेंडर में चिपक के बाहर आ जाता था। अब यहाँ पे मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत ही मिनिमल अगेन पाउडर का यूज़ किया है, बिकॉज़ मेरी स्किन ड्राई है, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो हर जगह फ्लेकी फ्लेकी सा होने लगता है। हमारे इस मेकअप का जो हाईलाइट है वो है आई शेडो, तो अभी हम आई शेडो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ट्रांजिशन कलर लिया है, तो बेसिकली आपकी स्किन का जो भी शेड है उसके नियरेस्ट जो कोई भी आई शेडो है आपके आई शेडो पैलेट में, उसे आप सबसे पहले एकदम जेंटल हाथों से अपने पूरे आईलेट पर अप्लाई कर लीजिए। मेरे आउटफिट का डोमिनेंट कलर ब्लू था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आई मेकअप में ब्लू एंड ब्राउन डोमिनेंट कलर्स रखूँगी। तो आउटर कॉर्नर पे मैंने ग्रेजुअली ब्राउन कलर बिल्ड करना स्टार्ट किया एंड इनर कॉर्नर एंड मिडिल थर्ड ऑफ माय आईलेट पे मैंने ब्लू कलर का एप्लीकेशन किया। तो बेसिकली आपको ये करना है कि अपने आउटर कॉर्नर पे ब्राउन एप्लीकेशन करना है ग्रेजुअली एंड उसे अच्छे से ब्लेंड करते रहना है। जब आपको ये लगे कि आपका ब्राउन कलर वैसा हो गया जैसा आप चाह रहे हैं, तो उसके बाद आप अपने इनर कॉर्नर पे ब्लू कलर या जो भी कलर आप लगाना चाह रहे हैं उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, अगेन हल्के हाथों से एंड ब्लेंडिंग करते रहना है। नाउ दो जगह की ब्लेंडिंग का आपको ध्यान रखना है, पहली तो वो जगह जहाँ पे आपका ब्राउन कलर आपके ब्लू कलर से मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप बीच में एक और कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बाद में ऐड किया थोड़ा सा शाइन देने के लिए, नो ग्लिटरी इफेक्ट लाने के लिए। इसके अलावा आपके जहाँ पे क्रीज एंड हो रही है आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो, वहाँ पे एक पतली लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। नाउ आई पर्सनली फील कि जैसे ये डार्क कलर्स जब हम ऐड करते हैं अपनी आईलेट्स पे, तो या तो आप अपने फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से कलर्स को पैक करता है, या फिर एक फ्लैट एंडेड ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप आई शेडो अप्लाई करने के लिए अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जिस उंगली से आपने कलर को पहले पिक करके अपनी आई शेडो पर लगाया है उस उंगली से आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है। तो बेसिकली आप अपनी हर उंगली को एज अ डिफरेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो किसी और उंगली से करेंगे एंड जब आप कलर अप्लाई करेंगे तो आप किसी और उंगली से करेंगे, सेम उंगली का यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपको तब तक करनी है जब तक आपको ये ना लगे कि कहीं पे आपको शार्प लाइन नहीं दिख रही हो। तो बेसिकली आपकी ब्लेंडिंग तब कंप्लीट हो जाएगी जब आपको दिखेगा कि हाँ एक ग्रेडियंट सा इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे मेकअप करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप अपनी आँखों को बोल्ड लुक दे रहे हैं तो बाकी चीज़ें सटल रखिए। अगर मान लीजिए आप बोल्ड रेड लिपस्टिक या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आई मेकअप अपना सटल रखिए। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप दो कलर्स जो भी यूज़ करें अगर आप उन्हें अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच में एक तीसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक शिमरी कलर यूज़ किया है, यू कैन डू एग्जैक्टली दिस। अब शिमरी कलर की ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर वो उतना अच्छे से ब्लेंडेड नहीं होता है तो भी वो बुरा नहीं लगता है, इट लुक्स वेरी गॉर्जियस। बस ये ध्यान रखना है इस लुक में कि ये शिमर जो आप ऐड करेंगे ये बस ब्लू एंड ब्राउन के जंक्शन पे ऐड करना है, इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है बिकॉज हम चाहते हैं कि वो दोनों बाकी के जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी डोमिनेंट दिखें। एंड दैट्स इट, आपकी एक आँख का मेकअप हो गया। अब यहाँ पर मैं क्विकली अपने दूसरी आँख का भी मेकअप कम्प्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन्स पे दोनों साइड लगा रही हूँ एंड मैं अपनी आई शेडो पैलेट का ब्लैक कलर लेके अपनी आईब्रोज़ फिल इन कर रही हूँ। नाउ आईब्रोज़ फिल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आईब्रोज़ फिल करना मिडल से शुरू करें बिकॉज़ आईब्रोज़ का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, मतलब नाक के ठीक बगल वाला जो पार्ट होता है, वो पार्ट बहुत लाइट होता है। तो अगर आप सीधा कलर लेके वहीं से स्टार्ट करेंगे तो वो एरिया आपका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसीलिए आप पहले मिडल से स्टार्ट करें एंड जब आपके ब्रश पे प्रोडक्ट कम हो गया हो उसके बाद आप अपने आईब्रोज़ की स्टार्टिंग पे आएँ। एंड यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा अपना दूसरा आईब्रो भी कर लिया था। मेरे ब्रशेस पे जो ब्राउन एंड ब्लू कलर बच गया था सेम ब्रशेस लेके मैं अपने लोअर आईलिड्स को भी स्मोक आउट कर रही हूँ। मैं और भी कुछ नया प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ही स्मोकी सा लुक चाह रही थी एंड बिकॉज दिस वॉज अ फुल ग्लैम पार्टी लुक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉल्सीज भी यूज़ किए हैं। नाउ आई एम सॉरी बट ये फॉल्सीज मैंने दुबई से लिए थे तो ये मुझे याद नहीं है कहाँ एग्जैक्टली से लिया था मैंने, बट आई एम श्योर ऑनलाइन भी आपको ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड फॉल्सीज लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ सो दैट कि मेरी अपनी जो लैशेज हैं जो मैंने नकली आई लैशेज लगाए हैं वो दोनों एक साथ चिपक जाएँ। और अब यहाँ पे मैं अपनी आई शेडो पैलेट से ब्रॉन्जर सब एक शेड लेके एंड अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ एंड आई विल डू दिस ऑन बोथ साइड्स। सिर्फ इसी वजह से मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक अच्छा आई शेडो पैलेट होना चाहिए क्योंकि आई पर्सनली थिंक उसमें से सब कुछ निकल आता है, आपकी आईब्रोज़ के लिए भी आई शेडो भी कॉन्टोर भी ब्लश भी सब कुछ हो जाता है उसी से। एंड मैं अपने आई शेडो पैलेट से एक पिंक सा शेड लेके एंड ब्लश अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ बिकॉज आई शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं तो अदर देन आई शेडो, जैसे अगर आप कॉन्टोर के लिए ब्रॉन्ज के लिए या ब्लश के लिए अगर आप अपना आई शेडो यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि ब्रश पे कलर लेने के बाद आपको उसे एक बार ब्लो करना है जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट ना आए। अब यहाँ पर मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ अगेन अपने आई शेडो का ही यूज़ करके एंड बिकॉज मेरे फेस का मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ टिप ऑफ द नोज़ चीक बोन्स पे एंड क्यूपिड्स बो पे हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। एंड बिकॉज मैंने अपना फाउंडेशन अपने आई मेकअप करने से पहले लगाने की गलती कर दी थी तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंडर आई एरिया थोड़ा सा डार्क सा हो गया था तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्रेस्ड पाउडर लेके अपने अंडर आई वाले एरिया में एक बार चला रही हूँ सो दैट कि थोड़ा सा वो ब्राइटन हो जाए। अब स्टार्टिंग में मैंने जो भी एक्सेसिव लिप बाम लगाया था उन सबको मैं टॉवल से वाइप करके अब यहाँ पे मैं न्यूड कलर का एक लिपस्टिक लगा रही हूँ। नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड एंड स्पेशली मेरी स्किन टोन पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक माय ओन लिप कलर, तो पता नहीं चलता है कि मैंने कुछ लगा रखा है बट देन अगेन बिकॉज ये मेरे लिप्स को एक यूनिफॉर्म कलर देता है तो इट लुक्स लवली। एंड उस लिपस्टिक के ऊपर मैंने अगेन ये रोज़ी न्यूड कलर फिर से अप्लाई किया है जस्ट टू प्लम्प माय लिप एंड बिकॉज मैं यूजुअली नाक में कुछ पहनती नहीं हूँ तो मैंने नॉर्मल ईयर रिंग्स को एज नोज पेन यहाँ पे पहना हुआ है एंड यहाँ
यहाँ पे मैं अपने प्यारे से सिल्वर ईयरिंग्स पहन रही हूँ ना। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो शूट करने के बाद कि बेबी मैंने बस इन ईयरिंग्स को पहनने के लिए पूरा वीडियो शूट किया। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गट फीलिंग आ रही थी। एंड दैट्स इट, अब मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग में ये वीडियो शूट करूँगी, यू नो, एकदम नेचुरल लाइट में। बट द प्रॉब्लम वॉज कि आज यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा था। डिस्पाइट पावर बैकअप यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे तक लाइट नहीं थी, एंड तो इसीलिए फिर शाम में मुझे वीडियो शूट करना पड़ा। ये भी नेचुरल लाइट में ही है, बट यू नो दिन में जैसे, बिकॉज मेरा घर जो है ईस्ट फेसिंग है तो बहुत ही अच्छी लाइट आती है सुबह सुबह, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो गई थी तो उतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही थी। बट नेवरदलेस दिस वाज नॉट बैड ईदर। एंड हाँ, अगर आपको आज का मेरा ये लुक अच्छा लगा एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे। सेट फॉर टुडे, अब मैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। इन द मीन टाइम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखें। बाय।